किसान भाइयों, रामराज में स्वराज 744 ट्रैक्टर मिला मुझे, एजेंसी पर खड़ा हुआ है ये स्वराज की एजेंसी, और इसको देखते ही मन प्रसन्न हो गया। मैंने पुनीत से तुरंत कहा, भाई गाड़ी रोक, देखो वो सामने पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी है। 44 को देखते ही मन किया भाई एक बार मिल के आऊँगा, देख के आऊँगा। भाई हमारे टाइम में तो 2 स्टार था, अब ये 4 स्टार आ गया, रिवर्स PTO आ गई, पहले तो 7 ही आती थी। हमारा 7 स्टेयरिंग था, ये पावर स्टेयरिंग आ गया। इंजन वही है 3 सिलेंडर, 14 के टायर दे दिए, बहुत अच्छा किया। जब हमारे पे 13 के टायर थे, हम चलाया करते थे, तो वो स्लो पे ही 700 RPM पे ही अगर हमने टीलर धरती पे डाल दिया तो बंद नहीं हो गया था, स्लिप मार जाता। तो हमने जब ये अंदाज़ा लगाया था, इसके टायर 13 के हल्के हैं, 14 के होने चाहिए, वो कंपनी ने अच्छा किया, बदलाव कर दिया, बहुत अच्छा रहा। PTO पावर है 30.1। ये ऐसा रेस का घोड़ा है, आप इस पे दांव लगा सकते हो, ये आपको धोखा नहीं देगा। आपकी नौकरी छूट गई हो, बेरोज़गार हो, कहीं नौकरी ना मिल रही हो, परेशानी हो, पैसा ना हो, और आप कहीं भी रहते हो, गांव में या शहर में, इस ट्रैक्टर को ले लो, प्राइवेट लोन करा लो या सरकारी करा लो, और इसे काम करो, मेहनत करो, शराब ना पिए बिल्कुल भी, पहले ही बता रहा हूँ, शराबी की कोई लाइफ नहीं होती, ना मशीनरी की ना शराब पीने वाले की। समय पर सर्विस करवाओ, कंप्यूटर माझा भी चला सकते हो, टीलर हैरो रूटावेटर भी चला सकते हो, लाण की मशीन भी चला सकते हो, ट्रोले का भाड़ा भी कर सकते हो। ये सदाबहार ट्रैक्टर है, आपको डूबने नहीं देगा, क्योंकि हमने जब लिया था हम एक पैसे को परेशान रहते थे, कोई साइड बिजनेस नहीं था, हमने लोन पे लिया था, पूरा लोन पे फुल लोन कराया था, और हमने गांव में आकर किराया शुरू कर दिया, ग्राहक अपने आप आने लगे, हम जिसके भी टीलर ले गए, हैरो ले गए, किसान का मन खुश, उसने 4 से बोल दिया कि भाई इन पे काम कराओ, और ज़बरदस्त काम करते हैं, अच्छा काम किया, रोटावेटर चलाया, मार्केट में तहलका मचा दिया, और वो ट्रैक्टर रुक गए, क्योंकि हम तगड़ा काम करते थे, काम की तारीफ होती है, काम भी अच्छा जब ही होगा जब ट्रैक्टर में दम होगा, इंजन में भाइयों अगर दम नहीं है कुत्ता नहीं पूछता। ट्रैक्टर में दम था, हमने 10 साल चलाया, 9 लाख का डीजल फूका, 26 लाख का किराया किया, किराया भी वो किया जो हमने लिखा हुआ है, अपने काम का कभी हिसाब नहीं लगाया, ना ये लगाया कि तेल ज़्यादा खा रहा है कम खा रहा, क्योंकि हमने आप 10, 5 या 20 लीटर गिरवाओगे या टंकी भरवाओगे, ऐसे हिसाब लगाओगे तो आपको औसत नहीं आने का, कहीं आप जुताई करने गए 2 बीघे, बाजा तो ग्राहक ऐसा आता था, मेरी 1 बीघा जुआर बुनी है, और गाँव से 1 किलोमीटर उसका खेत है, अब बताए हम रोटावेटर ले गए 1 बीघा, 2 बीघा खेत है, चलो उनने वो 1 बीघा मान लिया, 2 बीघे, और 2 बीघे में आने जाने का तेल फूक गया तो क्या बचा, कुछ नहीं, लेकिन एक घाक 2 बीघे का और एक घाक है 20 बीघे का, तो टोटल एवरेज हमने तो लंबा हिसाब लगाया, साल भर में लगाते थे, वह हम इस साल में कितना तेल फूका, क्या इसने ट्रैक्टर ने बचाया, तो प्लस पॉइंट मिला हमें, कभी लॉस नहीं रहा, अपना काम हमारे ट्रैक्टर ने फ्री में किया। भाइयों डबल क्लिच था, एक दो बार सेटिंग तो बिगड़ी क्लिच की, उसमें 100-150 रुपये खोलने वाला लेता, बाकी और कुछ नहीं था, फिंगर वे सेट करनी पड़ी थी, बाकी गियर बक्सा नहीं खुला, हाइड्रोली नहीं खुली, और आड़ू बोने में खोदने में तो इतना बढ़िया था, पूरी सिलो पे 500-600 RPM पे था बंधा हुआ, पूरी सिलो पे आड़ू की मशीन खींचता था। कभी हमारे ट्रैक्टर ने ये नहीं कहा, झटका नहीं मारा, हमारा 245 आज मैसी, उसे मैं इसी बात पर पसंद नहीं करता, क्योंकि उसकी सिलो बढ़िया नहीं है, एक मशीन इस पे जोड़ लो आड़ू की, एक हमारे मैसी पे जोड़ लो,
सिलों पे वो चलेगा नहीं, वो झटके मारेगा, हुड़क हुड़क करेगा, और इसकी एक बंधी हुई आवाज़ है, बिल्कुल एक साथ चलेगा। तो ये अच्छा रहा, मैं मैसेज बढ़िया रहा, ले लिया, कोई बात नहीं, बाद में पता लगा हंटिंग का। बाकी रेस देने के बाद में ताकत उसमें बहुत है, लेकिन जो खूबियाँ स्वराज में थी वो मैसी में नहीं। आज मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैसी हम ट्रोली लेकर काट रहे खेत में से, सड़क पर चढ़ाना, सड़क पाक है, उसकी लंबाई कम है, आग कैसा उठ गया, 55-60 कुंटल की ट्रोली वो खेत में से 1 फुट ऊंची चकरोड़ पर मैसी नहीं चढ़ सकता। इंजन लोड नहीं मानता, लेकिन स्लिप मार जाएगा, रुक जाएगा, जब आगे से उठेगा तो ड्राइवर क्या करा, रोक लेगा। और ये हमने 3 फुट ऊंची सड़क पर चढ़ा रखा, दूसरे के लो में करके रेस दे के लाए, 60 कुंटल गांडे थे, धरती सड़क पाड़ दी, ऊपर आकर पट्ठे ने ट्रोली छोड़ी नहीं, लेकर चढ़ गया। तो जैसे जैसे हम चलते रहे, हमारा विश्वास बढ़ता गया स्वराज पर। आज वो नहीं है हमारे पास, हमने रिश्तेदार को दे दिया था, लेकिन आज भी मुझे याद आती है। अब इतने बड़े फार्म नहीं, हमने दूसरा काम शुरू कर दिया, टाइम नहीं है चलाने का, लेकिन याद, सच्चाई बता रहा हूँ मैं। ये तो आप लोग जो ट्रैक्टर चला रहे हो, आपको आपके भी बढ़िया हैं, हर कंपनी के बढ़िया हैं, लेकिन मैं स्वराज की बता रहा हूँ। भाइयों, हमारे स्वराज ने इतना कमाया, और एक कमाल यो है, उसके टायर भी नहीं बदले गए, 10,000 घंटे में 4 अन्य टायर फिर भी थे उसके। कुछ मेरे भाई विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने ट्रोले का काम सड़क का नहीं किया, खेतों में चलाया, वो सड़क पे नहीं गए हम लेकर फालतू, सिर्फ 4 किलोमीटर फैक्ट्री जाता था गन्ने लेकर, बाकी फालतू नहीं चलाया। और रूटावेटर पे, टीलर पे, हैरो पे टायर ज़्यादा नहीं घसते, घसते हैं उनके जो हमसे भी हाई स्पीड ड्राइवर हैं। आप ट्रैक्टर को 2,000 चक्रों पे चलाओ, दाब के चलाओगे तो ट्रैक्टर क्या करेगा, जब जोर लगाता है तो उसमें 50% ट्रैक्टर स्लिप मारता है। अगर आप 1400-1500 RPM पे चला रहे हो, ट्रैक्टर बहुत कम स्लिप मारेगा, नाम मात्र, क्योंकि जितना वो ताकत लगा रहा है, बड़े आराम से यंत्र को खींच रहा है। तो भाइयों, बहुत लंबी बात होगी मेरी, शायद आपको पसंद आई होगी। सबसे बढ़िया इसका इंजन है, पंप है, हमने उसका पंप 10,000 घंटे चला के खोल के मिस्त्री के नहीं लेगी, ना नोजिल पड़े ना प्लंजर। एक कंपनी ने यहाँ एयर फिल्टर लगाया था, वो यहाँ लगा हुआ था ऊपर की तरफ, पता नहीं वो यहाँ था या अंदर था, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, इसलिए था शायद वो चौक हो जाता था, फिर हमने वो निकाल कर फेंक के हमने नहीं लगाया, उससे इंजन काला धुआं देता था, वो बिना मतलब का खाड़ा है, वो हमने निकाल दिया। एक ध्यान रखते थे इसमें, डेली हम साफ करते थे सुबह को, ये खुला इस हिस्से को साफ करके पानी से धोके इसमें हम ऑयल लगाते थे, मोबिल ऑयल नया वाला, पुराना नहीं, पर इसमें 2 बूंद फालतू डाल देते थे, चारों में चुपड़ देते थे हाथ से, जब हम चलाते सबसे पहले डस्ट जो थी इसमें रुक जाती थी, बाद में अंदर जाती थी। ये तो हमने काम किया इसके साथ में, बाकी भाइयों कभी धोखा नहीं दिया, स्टेयरिंग नहीं खुला, सादा स्टेयरिंग था। और एक बार इच्छा है स्वराज लेंगे दोबारा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम सा लगेगा। हिच ज़बरदस्त, कोपलिंग ज़बरदस्त, देख लो कितनी तकड़ी दिया कंपनी ने, कंप्यूटर का सिस्टम पहले नहीं आता था, अब दे दिया 4 स्टार में, पहले रिवर्स PTO नहीं थी, रिवर्स PTO दे दी। बाकी इसकी कोई चीज़ कभी लिफ्ट नहीं टूटी, जैक ख़राब नहीं हुए, हाइड्रोवार पट्टी थी ज़बरदस्त, आज तक नहीं टूटी। तो भाइयों, इस ट्रैक्टर ने हमारा इतना साथ दिया, आप विश्वास नहीं करेंगे। कोई मेरा भाई कुछ करना चाह रहे हो, भाई मैं इस ट्रैक्टर की गारंटी लेता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है, लेने से पहले, पैसा देने से पहले एजेंसी वाले को, हाँ पहले चला के देखो, ट्राई लो। कई बार कुछ कंपनी के ऐसे आ जाते हैं कि मेरा ट्रैक्टर बाद में ले लेते हैं किसान, वो लोड मानता है, कुछ पता नहीं क्या टेक्निकल कमी आ जाती है कुछ, हालांकि टेस्टों का आते हैं पर पता नहीं बाजे में आ जाती है दिक्कत। तो बिल्कुल चला कर, लोड पर चला कर तब लें कि भैया मैं डेमो करूँगा। अगर डेमो में पास हो गया, लोड कितना गिर के भी वो नहीं दबरा, तो आप विश्वास के साथ ले आएँ स्वराज को, आपको ट्रैक्टर धोखा नहीं देगा। मेरा कोई कंपनी से कमीशन नहीं है, दलाली नहीं मैं करता बिल्कुल भी, मैं वो बता रहा हूँ जो खुद अपने आप पर प्रैक्टिकल करता हूँ। एक्स ले लो, FE ले लो, मुझे तो ये बढ़िया लगा, हमारे पास तो FE था। एक्स को बता रहे हैं कुछ पावर बढ़ा दी,
किसान को सच में तो यही पावर फालतू है भाई, डीलर चलाएंगे नौ फुट होगा, 11 का चला लो, लोड नहीं मानने का। साथ साथ की हैरो ज़्यादा बड़ी रखोगे तो रस्ते नहीं है, 7 फुट रोटावेटर उसे 735 भी खींच ले, 44 तो और बढ़िया खींचता है। अब तो हम इसी पे 960 ले लो, वो भी 7 फुट रोटावेटर खींच रहा। या तो आप यंत्रों के साथ में ट्रैक्टर बड़ा ले रहे हो तो यंत्र भी बदलो। हमारे एक जानने वाले ने 963 ले लिया टीलर 9 फुट का। अरे भाई तुमने जब इतना बड़ा तामझाम लिया तो कम से कम 15 का टीलर ले, कह जी रस्ते नहीं है। अरे फोल्ड वाला ले ले, वो फोल्डिंग वाला नहीं ले पाया। तो मैं तो ये कहता हूँ FE की पावरफुल है, क्योंकि मैंने 10 साल चलाया, किसी काम में ये मत सोचना मन में कि मैं XT लूँ या FE लूँ, वो आपको सोचना है। लेकिन ये ट्रैक्टर मेरी निगाह में पास है। तो भाइयों बहुत लंबी बात होगी, आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार जुड़े हैं, और शेयर जरूर कर देना। आपको आपके परिवार को ये ट्रैक्टर पाल देगा, ये मेरा विश्वास है। नमस्कार।